द लास्ट ट्राइल के प्रीमियर से रशियन फिल्म डेज की शुरुआत। भारत में लगातार चौथी बार रशियन फिल्म डेज नामक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 12 से 15 अक्टूबर तक आयोजित इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आलोक में 12 अक्टूबर को मंडी हाउस स्थित रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका बाकायदा उद्घाटन किया गया। रूस के संस्कृति मंत्रालय, रूसी फिल्म निर्माता संघ, रशियन नेशनल फंड ऑफ कॉपीराइट होल्डर्स कोर्ट, भारत में रूसी दूतावास, रशियन कल्चर एवं साइंस सेंटर और स्टार मीडिया फिल्म कंपनी द्वारा समर्थित इस फिल्म महोत्सव का आयोजन रूसी फिल्म महोत्सव कंपनी सिनेमारूस की ओर से किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन अलेक्सी पेट्रुकिन द्वारा निर्देशित रूसी थ्रिलर ड्रामा द लास्ट ट्रायल का विश्व प्रीमियर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के अलावा फिल्म के कलाकार भी मौजूद थे। इस फिल्म को रूसी अभिनेत्री एना चुरीना और अलीसा ग्रेबेंशिकोवा ने प्रस्तुत की थी। इसके अलावा गैलिना लेमेशेवा, वेलेंटाइना माजुमिना, आर्टम तकाचेंको और विक्टर खोरिन्याक जैसी प्रमुख रूसी हस्तियां भी इस अवसर पर उपस्थित थी। उल्लेखनीय है कि इस बार यह उत्सव रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन और रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा भी होगा। फिल्म समारोह अभी से ही अपनी सीमाओं का विस्तार भी कर रहा है, क्योंकि इसके जरिए सबसे सफल और प्रमुख फिल्मों को न केवल दिल्ली बल्कि पुणे और मायानगरी मुंबई में भी दिखाया जाएगा। बता दें कि भारत में रशियन फिल्म डेज रचनात्मक और आर्थिक अभिजात वर्ग के साथ संपर्कों में सुधार करने के साथ साथ सिनेमा उद्योग में रिश्ते को मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारत के साथ रूस के मैत्री को अलग से आकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले महोत्सवों का अनुभव इस साल भी महोत्सव की सफलता को पुष्ट बनाता है। मुंबई स्थित फिल्म वितरण और प्रोडक्शन कंपनी आरजी स्टूडियो भारत में हर साल रूसी फिल्मों को क्यूरेट करती है। साथ ही यह भारत में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो रूस में भारतीय फिल्मों और भारत में रूसी फिल्मों का वितरण करती है। फोरम प्रोड्यूसर एवं रूसी फिल्म निर्माता संघ के सलाहकार दी हॉलीवुड रिपोर्टर की एडिटर इन चीफ मारिया लेमेशेवा, जो रूसी प्रतिनिधि मंडल की प्रमुख भी हैं, कहती हैं, हर साल आयोजित होने वाला रशियन फिल्म डेज अपने बड़े पैमाने के कारण हमेशा दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहा है। पिछले 3 वर्षों से भारत में 15,000 से अधिक लोगों ने रूसी फिल्मों को देखा है। हमारा मानना है कि सिनेमा में सबसे ज्यादा एकजुट करने वाले तत्वों का समावेश होता है। इस साल हम रूस में बने सबसे स्ट्राइकिंग फिल्मों को प्रस्तुत कर रहे हैं और हमें आशा है कि वे भारत में भी इसी तरह लोकप्रिय होंगे जैसे